जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। जयपुर से दामाद ने मुक्का मार के ससुर को कत्ल कर दिया। दामाद ने मुक्का मारा, ससुर को कत्ल कर दिया। शास्त्री नगर थाना इलाके की घटना बताई गई है। झगड़ रहे बेटी दामाद को समझाने के लिए ससुर वहां पर आए थे, तभी दामाद ने सिर और गर्दन पर मुक्का मार दिया और चोट के कारण बेहोशी की स्थिति में बुजुर्ग नीचे गिर पड़ा। अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। शास्त्री नगर थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, ये हत्या थी या एक्सीडेंट? अब देखिए, फिलहाल पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है, लेकिन शुरुआती चीज ये लग रही है कि दोनों जो पति पत्नी है ये झगड़ रहे थे। इस दौरान जो पत्नी है उसके दामाद कहा जा सकता है कि ससुर दामाद यहाँ पर एक जगह पर ही थे उस समय पे, तो बीच बचाव करने के लिए जो ससुर है वो वहां पर आए थे। उस दौरान फिर पत्नी से झगड़ा कर रहा पति था, उसने अपने ससुर पर भी एक थप्पड़ मार दिया, इस तरह की बात सामने आ रही है। और सिर के पीछे से एक हाथ से और उन्होंने मारा था, ये दो चीजें सामने आ रही है। और उसके आधार पर वो नीचे गिर गए थे और फिर अस्पताल लेकर गए तो वहां उनकी उपचार के दौरान मौत हो गई। तो अब इस बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है कि आखिर क्या कोई और वजह रही है मरने की, क्योंकि ब्लड प्रेशर और वो सारी चीजें भी उनके थी, तो सारी चीजों को लेकर के पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। बिल्कुल, पुलिस अब जांच में जुटी है कि ये मामला हत्या का ये महज एक हादसा था, क्योंकि जिस वक्त दामाद और बेटी जिस वक्त झगड़ रहे थे उसी वक्त ससुर बीच बचाव में आए थे समझाने के लिए। झगड़ा कर रही बेटी और दामाद को समझाने के लिए आए थे और इसी दौरान जो है दामाद ने मुक्का मार दिया था। बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए।